प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को चाय वाला बताकर लोगों से करीबी नाता जोड़ते आए हैं, जिसके वास्ते चाय की दुकान वाले भी उनके बड़े समर्थक बन गए। ऐसे ही एक समर्थक कानपुर के इंदिरा नगर में भी हैं, जो अपने चाय के स्टॉल के बाहर एक बैनर पर रोजाना मन की बात लिखते हैं। पीएम के समर्थक अनिल पोरवाल लगातार 7 वर्षों से प्रधानमंत्री और महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। अनिल के दिन की शुरुआत ही मन की बात लिखने के साथ होती है। हमारा नाम अनिल कुमार पोरवाल है और हमारी ये इंदिरा नगर बैंक के सामने मेरी दुकान है। इस तिराहा है यहाँ पर, ये मैंने मोदी तिराहा का नाम दिया है, मोदी तिराहा इंदिरा नगर जी लिखा है ऊपर। ये आपकी दुकान कितनी पुरानी है और मन की बात को लेकर जो कोटेशन लिख रहे हैं कि कितना समय बीत गया आपकी दुकान को? ये मेरी दुकान 40 साल पुरानी है और ये कोटेशन मैं सन 2015 से लिख रहा हूँ। तब से नोटबंदी हुई तब से मैं जी लिख रहा हूँ और बड़ा अच्छा अच्छा लिखते हैं और लोग बाग उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, व्हाट्सअप पर डाल देते हैं, फेसबुक डालते रहते हैं, अक्सर हर कोटेशन के लोग बाग फोटो खींच। जैसे क्या? जैसे कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाएगा और इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। दौलत कमाए मगर इतनी भी नहीं कि जरा सी तबीयत बिगड़ने पर लोग डॉक्टर बच्चे डॉक्टर के बजाय वकील को बुला लें। किसकी प्रेरणा से लिखते आ रहे हैं मन की बात आप दुकान के बाहर? ये मोदी जी मन की बात कहते हैं और हम मोदी जी हम मन की बात लिखते हैं तो हमारे लिखते लिखते कम से कम 1000 से ज़्यादा हो चुका है और हर एक आदमी लाइक करता है जो इतना बढ़िया बढ़िया मैं लिखता हूँ।